Hello, welcome to all in Monica's foundation classes. Dear parents, हमने previous जो classes थी अपनी उसमें हमने standing line, sleeping line and slanting lines के बारे में पढ़ा. Today we will learn about curved lines. हमने पहले standing lines के बारे में सीखा, sleeping lines के बारे में सीखा, then slanting lines के बारे में सीखा और आज हम अपनी करेंगे fourth line, that is curved lines. अब बेटा curved lines क्या होती हैं? This is curve. This is also a curve. Curve. ठीक है जी. जो इस तरह से गोलाई में जो शेप होती है इसको हम कहते हैं कर्व लाइंस. ये कई तरह की होती हैं, जस्ट लाइक सी इन ऑपोजिट डायरेक्शन एंड अपवर्ड एंड डाउनवर्ड्स. ठीक है जी. अब इसके लिए हम क्या करेंगे, बच्चे को हम टू डॉट्स लगा कर देंगे. ठीक है जी. इसके लिए हम क्या कहेंगे बच्चे को, ड्रॉ लाइक दिस like this. अब same in opposite direction like this. अब इसके लिए हमने उनको क्या समझाना है कि इस तरह से आप अब यहां से हमने उनको two dots लगा के देने like this, right? अब हम सिर्फ पहले इस कर्व की प्रैक्टिस करवाएंगे बच्चों को. ताकि उनका अच्छे से हाथ जो है वो बैठ जाए. ठीक है जी. टू लाइंस में हम प्रैक्टिस करवाएंगे इस कर्व की. Now, in opposite direction, अब हमारी ये जो कर्व लाइंस हो जाती हैं, इसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे वन टाइम मोर. इसके बाद हम करेंगे प्रैक्टिस ऑफ अपवर्ड कर्व लाइक दिस. ऑल राइट. वंस मोर Like this. बस पेरेंट्स आपने सिर्फ होल्ड रखना है, होल्ड का ध्यान रखना है. अब जब हमने ये वाला हमने कर्व बनाना है डाउनवर्ड्स, तो हमने उसके डॉट्स लगाने थर्ड लाइन में, राइट, ताकि बच्चे को पता चलेगा कि हमने डाउनवर्ड कैसे आना है. ठीक है जी. अब स्टार्ट फ्रॉम हेयर लाइक दिस. और ये जो कर्व्स हैं ये हमें जो हिंदी की फॉर्मेशन होती है उसमें भी हमारी बहुत हेल्प करते हैं, राइट. एक बार फिर से हम प्रैक्टिस करेंगे. ये जो कर्व लाइंस होती हैं हमारी बहुत सारे लेटर्स की फॉर्मेशन में हमारी हेल्प करती हैं. इसी फॉर्मेशन के साथ हम जो है अपनी जो नेक्स्ट क्लास है वो हम स्टार्ट करेंगे A to Z. इन आर नेक्स्ट क्लास वी विल लर्न द फॉर्मेशन ऑफ A to Z, कैपिटल लेटर्स ऑफ A to Z. टिल देन गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे.